बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के जो 2021 में पेपर हुए हैं उसका सॉल्यूशन एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं करूंगा और पूरा 100% मैं अपना दूंगा और आप भी अपना 100% दो और इस वीडियो को अंत तक देखो, देखिए आपकी स्थिति में सुधार आएगा 100%, ये गारंटी है 100% गारंटी, बस आपको वीडियो देखना है, ठीक है? ध्यान समझिए, क्वेश्चन है द वर्ड ड्रामा। बच्चों ये ड्रामा शब्द है, ये ड्रामा मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, देखिए बच्चों जहां पर भी अगर रहता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मतलब उसकी बात की जा रही होती है। ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड, ड्रामा वर्ड जो है वो किस वर्ड से आया है, वो मतलब किस, जैसे आप जानते हैं बच्चों बहुत सारे देश बहुत सारे वर्ड लैटिन से आते हैं, ग्रीक से आते हैं, स्कैंडिनेवियन से आते हैं, पाली भाषा में आते हैं, प्राकृत भाषा में आते हैं, संस्कृत भाषा में आते हैं, उर्दू के अल्फाज होते हैं, अरबी के अल्फाज होते हैं, मलयालम के अल्फाज होते हैं, तेलुगु के अल्फाज होते हैं, कन्नड़ के अल्फाज होते हैं, बहुत सारे देशों के मतलब भाषाओं के अल्फाज होते हैं। ध्यान दो, तो ये जो ड्रामा वर्ड है ड्रामा, ये भाई किस शब्द से आया है, क्वेश्चन यही कहा है। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां किस शब्द से आया है। देखिए बच्चों जो ये एक वर्ड जो ड्रामा है, ये ड्रामा वर्ड बेसिकली ग्रीक भाषा के शब्द से आया है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, ना डी होगा। बच्चों ये ग्रीक शब्द से आया है। अब आप लोग प्रश्न पूछेंगे सर ये ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है मान लिया आपका बात कहना, मान लिया डी वर्ड मतलब ग्रीक वर्ड से आया, बट ड्रामा का मतलब होता क्या है, ये ग्रीक वर्ड से आया इसका अर्थ क्या हुआ। चलिए बच्चों ड्रामा मतलब होता है आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक है उसके अकॉर्डिंग थिंग डन। ड्रामा मीन्स, देखो बच्चों ड्रामा मीन्स थिंग डन, चीजें हो गई, थिंग डन, इसको याद रखना बच्चों एग्जाम में आ सकता, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रामा इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स थिंग डन, थिंग मतलब वस्तु, डन मतलब हो गई, जब चीजें हो जाती है ना, जैसे आपने सिंपल भाषा में देखो बच्चों नाटक, ड्रामा मतलब क्या होता है नाटक, जैसे कुछ लोग नाटक करते हैं हमेशा, अक्सर ड्रामाबाज, ड्रामा क्वीन, ड्रामा किंग, अक्सर लोग कुछ क्या करते हैं ड्रामा नौटंकी बात करते हैं, नहीं करते हैं, करते ना अक्सर नाटक, तुम देखते रहोगे देख रहे होगे आसपास आस पड़ोस हमारे, ड्रामा मतलब होता है बच्चों नाटक, यहाँ देखते होगे घर में नाटक पापा करते हैं, मम्मी करते हैं, हमारे भाई बहन करते हैं, हम भी बहुत ड्रामेबाज हैं, तो ड्रामे ड्रामाटिस्ट जो करते हैं वो होता है ड्रामाटिस्ट। देखो जो ड्रामा करता है वो होता है ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट मतलब होता है नाटककार, क्या होता है नाटककार, ड्रामाटिस्ट, डी आर ए एम ए टी आई एस टी, बच्चों ड्रामाटिस्ट मतलब बोलो ना नाटककार, जो ड्रामा, समवन हु परफॉर्म्स द ड्रामा इज कॉल्ड ड्रामाटिस्ट, समझे बच्चों, ड्रामाटिस्ट नाटककार जो नाटक में इन्वॉल्व हो। अच्छा शेक्सपियर ने कहा है एक बहुत ही अच्छा बात, जीवन एक ड्रामा है, हम लोग उसके सभी लोग उसके कैरेक्टर हैं, रंगमंच में हम लोग अपना अपना जीवन का, हमें भगवान ने एक रोल दिया है, टीचर का रोल निभा रहे हैं, आपको एक भगवान ने स्टूडेंट का रोल दिया है, तो आप स्टूडेंट की भूमिका में हैं, जिसको जिस रोल में इंसान ने भेजा है वो उस रोल का निर्वहन कर रहा है, उस रोल को अदायगी कर रहा है, उस रोल की भूमिका में है। तो शेक्सपियर ने कहा है लाइफ इज जस्ट लाइक अ ड्रामा, लाइफ जीवन इज जस्ट लाइक अ ड्रामा, जीवन एक ड्रामा है, वी आर प्लेइंग दैट ड्रामा, और हम लोग उस ड्रामा को खेल रहे हैं, उसके साथ अभिनय कर, वी आर द एक्टर्स, हम लोग एक्टर हैं, भगवान है डायरेक्टर, भगवान क्या है डायरेक्टर, डायरेक्ट कर रहा है, समझे, ध्यान दो बच्चों। तो आपको ध्यान क्या रखना है प्लीज समझिए कि ड्रामा एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है थिंग डन, कीजिए हो गई, और ड्रामा मतलब जब कोई ड्रामा करता है, जैसे कोई मान लो हम लोग कहते हैं ड्रामा, जैसे अलग अलग ड्रामा होते हैं, ट्रेजेडी होता है, मेलो ड्रामा होता है, कॉमेडी होता है, समझ रहे हो, मास्क होता है, मास्क का भी एक ड्रामा होता है, अलग अलग ड्रामा मतलब
भयंकर रूप से लोग करते हैं अक्सर अलग अलग ड्रामे के ऊपर का पढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में बच्चों। तो आपको ध्यान करना है ड्रामा एक ग्रीक वर्ड का है जिसका मतलब होता है थिंग डन चीजें हो गई ठीक है और जो ड्रामा करता से कहते हैं ड्रामा टिस्ट नाटककार वी ऑल आर ड्रामा टिस्ट इन आवर लाइफ। ओके बच्चों आई होप आपको एक सिंगल क्वेश्चन में इतनी सारी जानकारी मैं दे पाया हूंगा और आप समझ भी पाए होंगे ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर तुमको अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लो अच्छा ना लगे तो हमें फीडबैक दीजिए प्रतिपुष्टि दीजिए कि कहाँ दिक्कत है मैं उसको ठीक करूंगा और आपके लिए सुपर सुपर क्वालिटी वीडियो में लाऊंगा ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ठीक है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हु रोट द स्कॉलर जिप्सी। द स्कॉलर जिप्सी किसने लिखा हु रोट किसने लिखा द स्कॉलर जिप्सी। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है फैक्ट है जो आपको याद रहना चाहिए बच्चों फैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं फैक्ट है ध्यान दीजिए बच्चों। तो इसको द ग्रेट मैथ्यू अर्नॉल्ड ने लिखा है बच्चों मैथ्यू अर्नॉल्ड एक बहुत बड़े हमारे इंग्लिश के पोएट हुए हैं मैथ्यू अर्नॉल्ड ने बच्चों किसने बोलो ना मैथ्यू अर्नॉल्ड ने लिखा है बच्चों स्कॉलर द स्कॉलर जिप्सी फिर से बोलो द स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू अर्नॉल्ड। बच्चों ये प्रश्न 2021 से पहले 2018 में भी आ चुके हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये मुझे बढ़िया से याद है ये पेपर में सवाल पहले भी आ चुके हैं ये कोई नया प्रश्न नहीं है दिस इज नॉट अ न्यू क्वेश्चन दिस इज अ वेरी ओल्ड क्वेश्चन दैट हैज कम इन द अर्लियर एग्जाम। ओके अब देखिए प्रश्न पूछता है कि सर इस तरह का प्रश्न क्यों पूछा जाता है। देखिए बच्चों बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड अक्सर इस तरह के प्रश्न आपके सामने या तो क्लास 12 में पूछती है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछती है किसने कौन सा बुक ऑथर लिखा। बिहार बोर्ड आपसे यह आशा करती है मान के रखती है कि आपको बुक ऑथर के नाम याद होने चाहिए और उसी आशा को पूरा करवाने के लिए पूछता है कि आपको कितना याद है कितना याद है। तो बच्चों आपको कुछ याद जैसे देखिए मेरे पास ये एक पेपर है फुल लिस्ट पेपर है ठीक है अगल बगल चारों बगल ध्यान दो इधर दोनों पृष्ठ पर। तो मैं 10-15 मुंह से ऐसे बता देता हूं एग्जाम में इसको सबसे पहले तो विलियम शेक्सपियर का बुक आपको याद कर लेने हैं विलियम शेक्सपियर इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम तो पहले इसको आप लोग याद कर लेंगे मेरे साथ बोलिएगा पहला बताइए ओथेलो बोलो ओथेलो मैकबेथ मैकबेथ किंग लियर जूलियस सीजर फिर बात करते हैं हेमलेट द मर्चेंट ऑफ द वेनिस द मर्चेंट ऑफ द वेनिस। बच्चों ये सभी बुक जो है विलियम शेक्सपियर का है। अच्छा रोमियो एंड जूलियट एक प्रेमिका का कहानी है जिसमें रोमियो लड़का होता है रोमियो क्या होता है बच्चों लड़का होता है एंड जूलियट लड़की होती है रोमियो लड़का होता है हम लोग अक्सर कहते हैं लड़का आशिक हो जाता है बोलेंगे देखो रोमियो जा रहा है देखो जूलियट जा रही है जो लड़की दीवानी हो जाती है जूलियट अक्सर ठीक है रोमियो और मोदी जी ने इस रोमियो को रोकने के लिए एक अपना मोदी जी कहते हैं योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं तो उन्होंने रोमियो स्क्वाड चलवाया है कि उसमें उन मन चलो लड़कों को पकड़ा जाएगा जो जो राह चले लड़कियों को छेड़ते हैं या उनसे अभद्र टिप्पणी करते हैं। रोमियो स्क्वाड उसमें पुलिस है इसमें कोई लड़की अगर क्या कहते हैं ना कोई लड़का लड़की जा रही है और 10 लड़का मिल गया और उसको कोई ऐसे कर रहा है कोई ऐसे कर रहा है मतलब एक बात छेड़ने का अलग तरीका हो तो वो लड़की मिस कॉल देकर उस पुलिस लड़का को अरेस्ट करवा सकता है। ये ऐसा योगी जी ने करवाया है काश बिहार में भी लागू हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती लेकिन बिहार में लागू नहीं है। रोमियो स्क्वाड रोमियो लड़के के नाम पे शुरू किया गया ध्यान दो रोमियो लड़के के नाम पे शुरू किया गया ध्यान दो समझे
और जूलियट होती लड़की, ठीक है बच्चों। तो आपको बस समझना है, तो रोमियो एंड जूलियट आपको कभी नहीं भूलेंगे। योगी जी वाला सीन बता दिए, वो याद रहेगा यूपी वाला, तो बोलोगे ओहो ये बात है, रोमियो एक लड़का होता है। रोमियो के बारे में और कहानी बच्चों बारे में बता दें, रोमियो एक लड़की से पहले प्यार करता है, ठीक है। देखो प्यार करना अलग बात होती है, एक होता है अट्रैक्शन, अलग बात होती है समझे। एक होता है लव, ट्रू लव, एक होता है अट्रैक्शन जो घींचे तेरी और तुम किसी की तरफ चले जाओगे, बट दैट इज नॉट लव। लव इज लव, ये होता है तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, दैट इज लव। तुम उसके लिए कुछ भी, एनी कॉस्ट, यू कैन किल योर ओन मदर, माँ पापा को भी मार सकते हो, माँ पापा को भी छोड़ सकते हो, वो होता है प्यार समझे। अब ये नहीं कि लव कि बस अट्रैक्शन हुआ, रिलेशन बन गया, लड़की प्रेग्नेंट हो गया, छोड़ दो हम नहीं जानते हैं तुम्हें, तुम कौन, अरे तो कलंक हो गई लड़की, तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो प्यार नहीं, वो होता है, वो अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन, आकर्षण, तो ऐसा नहीं होता है। तो भाई ये तो रोमियो के साथ भी ऐसा ही हुआ था, रोमियो को जो पहली लड़की मिली थी उनके साथ अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन। मैंने पढ़ा इस बुक को, मैं उसी की बात बता रहा हूँ, आई हैव रेड दिस बुक थ्री टाइम्स। तो उसमें रोमियो एक लड़का होता है जो शुरू में एक लड़की से प्यार करता है, वो प्यार नहीं हुआ, वो अट्रैक्शन था, उसको पाने की चाहत था। बाद में रोमियो को एक लड़की से प्यार होता है, बाद में सेकेंड बार वो उसको सच्चा प्यार होता है, वो रहती है लड़की होती है जूलियट, जूलियट करती होती है। तो रोमियो जूलियट की कथा अमर कथा, इसलिए क्योंकि दोनों मारे गए अंत में, नहीं मिल पाते बेचारे दोनों को, उसके परिवार वालों ने यू नो किल्ड कर दिया, मार दिया। तो यही कहानी है, मैं इसके बारे में कभी बनाऊंगा वीडियो अलग से, रोमियो एंड जूलियट की कहानी। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो बोलिए यस, कमेंट करके बताइए यस, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर 10 लोग भी कमेंट कर दिए इस पर कि रोमियो एंड जूलियट पर बसर बनाइए बढ़िया से एकदम समझा करके टू जेड क्या हुआ घटना, तो हम बनाएंगे, ठीक है, हिंदी में आप लोगों को समझने के लिए। तो रोमियो और जूलियट विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, समझे, वीनस एंड एडोनिस, एज यू लाइक इट। बच्चों ये तमाम बुक्स जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ, कोई छूट ना जाए। ट्वेल्थ नाइट। बच्चों मैं आपके लिए एक ट्रिक बताता हूँ जिसे आप भूल नहीं पाओगे। देखो आप लोग कृपया नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोच करके सोचना। द ट्वेल्थ नाइट, नाइट में मतलब रात, रात में क्या होता है? सेक्स। तो सेक्स होता है तो विलियम शेक्सपियर। ट्वेल्थ नाइट, समझे बच्चों? तो ट्वेल्थ नाइट पूछेगा तो समझ नाइट, नाइट तो विलियम शेक्सपियर, याद कर लेना, याद नहीं होते हैं पढ़ेंगे। दूसरी हेमलेट, मैंने बता ही दिया हेमलेट, हेमलेट मतलब एक छोटा सा गांव होता है। ओथेलो विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ विलियम शेक्सपियर, रोमियो एंड जूलियट लड़की लड़का कहानी मैंने बताया अभी वो। बच्चों मर्चेंट ऑफ द वेनिस, यस, एक सौदागर होता है, मर्चेंट मतलब सौदागर जो सौदा करता है, वेनिस एक शहर होता है। फिर वीनस एंड एडोनिस, किंग लियर, एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर, इन तमाम बुक जो लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है बच्चों। तो आपको ध्यान रखने हैं इतने सारे बुक। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो पूछा जाता है वो होता है, पूछा जाता है आपको किसका, जैसे द गोल्डन गेट, विक्रम सेठ, द गोल्डन गेट, अ सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ। आप इसको याद कैसे करें बच्चों? देखिए याद ऐसे करें, ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए मार्कर गिर गया, अब ध्यान दो बच्चों कैसे इसका करें। देखो अब देखो जो आदमी सेट होता है ना, द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट, अब देखिए बोलेंगे सर इसको याद कैसे करें। देखो बच्चों सोना का गेट, द गोल्डन मतलब सुनहरा, गेट मतलब गेट, ऐसे याद कर लो। सोना का गेट किसके पास होगा? सेठ आदमी के पास, जो सेठ धन्ना, सेठ सेठ साहूकार, पैसा तो उसके लिए हाथ का मैल। कितना चाहिए? 10 लाख लो, बस 20 लाख लो, अरे उसके लिए कुछ नहीं प्रभाव पड़ता है। द गोल्डन गेट, गेट भी इसका सोना का है। देखो तो विक्रम सेठ, विक्रम बोलो ना, विक्रम सेठ मैं याद करने का ठीक बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए, द गोल्डन गेट विक्रम सेठ। अच्छा बच्चों ए सुटेबल बॉय, सुटेबल बॉय ध्यान दो, सुटेबल बॉय। अच्छा बॉय कैसा है? सुटेबल मतलब लड़का जो है सुटबुट में है, मतलब बढ़िया है, तो उसको जॉब है, सरकारी नौकरी है, सब कुछ है, तो कैसा आदमी होगा? सेट। लोग कहते हैं हमें लड़की को लिए सेट लड़का चाहिए, लोग कहते हैं ना कैसा लड़का चाहिए, तो कहता है सेट लड़का चाहिए, तो विक्रम सेट।
सुटेबल बॉय, बॉय क्या है? सेट है। अरे बॉय कैसा है? सेट है, सरकारी नौकरी है इसके पास, चाहिए सेट लड़का। तो बुटे तो गोल्डन सुटेबल बॉय विक्रम सेट, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो ये ट्रिक था, मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया कि आप इसको याद रख सकते हैं। जब भी आएगा गोल्डन गेट, हो सोना का गेट, सोना का सेटवा के पास है तो गोल्डन सेट, तो विक्रम सेट ओ सुटेबल बॉय, लड़का सेट लड़का, लड़का सेट लड़का, तो उसी के पास होगा जो सेट आदमी होगा, सुटेबल बॉय, समझे? तो ऐसे तुम्हें याद कर लेना है। अच्छा बच्चों, इतना ही नहीं, और मैं द गाइड आर के नारायणा, ये एग्जाम में बहुत आता है, द गाइड आर के नारायणा, समझे बच्चों? एग्जाम में खूब आता है द गाइड आर के नारायणा, ठीक है बच्चों? फिर आता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति, फिर से बोलो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय, बोलो अरुंधति रॉय। तुगलक और है वंदना ग्रीस कर्नाड, तुगलक और है वंदना ग्रीस कर्नाड, ये भी एग्जाम में खूब आते हैं, तुगलक और है वंदना ग्रीस कर्नाड, ठीक है बच्चों? कन्नड अभी दो दिन पहले मृत्यु, मतलब दो साल पहले इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अच्छा महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। देखो बच्चों, ये एक महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। अब बोलेंगे सर ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, हम लोग थोड़े बुद्धू, हमको बताइए जरा। देखो तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ध्यान दीजिए, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, प्रयोग भी सत्य के साथ, सत्य के साथ प्रयोग करते, देखो सत्य के साथ प्रयोग, सत्य तो सत्य है, उसके साथ प्रयोग करते हैं। तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये बुक लिखा है एमजी ने, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। फिर बच्चों हरिजन पत्रिका, महात्मा गांधी, हरिजन पत्रिका, महात्मा गांधी। देखो हरिजन, इसके पीछे कहानी है, मैं बता दूं कहानी, ध्यान दो बच्चों। जो भी उस जमाने में छोटे लोग होते थे, देखिए मेरा कहने का मतलब किसी को भावना को आहत करने का मतलब नहीं है, ठीक है, समझ लीजिए। पहली बात, मैं अपने दिमाग से फितर को हटा लो, निकाल दो, कि मैं जब भी कह रहा हूँ कि इससे कोई छोटी या बड़ी जात, मैं जाति में विश्वास नहीं करता हूँ, समझ लो पहली बात, ठीक है। मेरे कहने का मतलब समझाने भर तक है, ध्यान दीजिए। तो कह रहे हैं ये कि जो उस समय पहले में SC ST लोग होते थे, ठीक है, जो निम्न कैटेगरी के लोग होते, मैं पहले कहता हूँ निम्न कैटेगरी और उच्च कैटेगरी, मेरे कहने का मतलब किसी को भावना को आहत करने का मेरा कोई भी मतलब इंटेंशन नहीं है। तो उसको लोग ना, पहले अपर क्लास के लोग जो होते थे वो बहुत दुख लेते थे, अगर किसी के यहाँ पानी भी पी लिया तो उसको जूता से इलाज होता था, समझे? अगर कोई ब्राह्मण का है कोई आदमी, उसके यहाँ पी खाना खेल लेना, तुम्हारी मर्जी, भागो यहाँ से, उठो उठो यहाँ से, चलो भागो। तो लास्ट में खाना, जब सब खा लेंगे उस पर खाना, बचेगा तो खाना, तो चले जाना, तो ऐसा सिस्टम था। तो और पहले जमाने में इतना खराब सिस्टम था बच्चों कि देखिए, इतना अपवित्र इनको माना जाता था, SC ST लोगों को, और मतलब जो भी मतलब छोटे जाति के लोग होते थे उनको टांग में बच्चों झाड़ू, टांग में झाड़ू, ध्यान दो ए लड़का, ध्यान दो, टांग में झाड़ू कि भाई तुम पवित्र अपवित्र हो, तुम जिस धरती पे पांव रखोगे वो धरती अपवित्र हो जाएगा, वहां पे ब्राह्मण कैसे पांव रखेगा, वहां पे राजपूत पांव कैसे रखेंगे, अरे हम तो ब्राह्मण है, हम कैसे पांव रखेंगे। तो लोग कहते, तुम एक काम करो, टांग में झाड़ू बांध के चलो, टांग में झाड़ू बांध लोगे तो जहां पे पांव रखोगे वहां पे झाड़ू लगता जाएगा, और जगह अपवित्र तुमने जो किया है तुम पवित्र कर दोगे, अपवित्र को क्या कर दोगे, पवित्र झाड़ू हो गया ना, वहां पर चलोगे झाड़ू रहेगा टांग में, जहां जहां टांग दोगे, जहां जहां देख दोगे, वहां वहां तुम्हारा झाड़ू मत चलेगा। देखिए बच्चों, तो हुआ क्या, ध्यान समझिए, तो महात्मा गांधी को यह सिस्टम बहुत खराब लगा, महात्मा गांधी को सिस्टम खराब लगा बच्चों। महात्मा ने कहा, देखिए ये खराब लोग नहीं है, ये भी हमारे समाज के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, इनको भी जीने का अधिकार है। आप लोग इतना इनजस्टिस कर रहे हैं इनके साथ, अन्याय कर रहे हैं, इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब अन्याय, नॉट वर्किंग, इनजस्टिस, इन जस्टिस, अन्याय, अन्याय ही था ना, अच्छा बात था ये, अन्याय था, मूर्ख आदमी बोले का अन्याय, अभी भी कहीं बहुत सारी जगह होते हैं, नहीं भी होते हैं बहुत लोग, जैसे हम तो अक्सर कभी भी ये जाति पाति की बात मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं, ध्यान दो। तो इंजस्टिस होता, मतलब ने कहा, देखो आज से ना ये लोग छोटे मोटे लोग नहीं है, आज से ये हरिजन है, हरिजन। तो फिर लोगों ने बोला, अरे ये हरिजन क्या होता है, तुमने तो नया शब्द दे दिया हरिजन,
माधवानंद से बोला तुम हरिजन ने शब्द दे दिया, हरिजन का अर्थ तो बड़ा बताओ, हरिजन हरिजन भूख रहे हो, हरिजन का अर्थ क्या होता? बोल देखो हरि का मतलब भगवान विष्णु, हरि मतलब भगवान विष्णु, भगवान विष्णु जिसके पास वही विष्णु चक्रधर चक्रपाणि जिसके हाथ में चक्र हो, ठीक है। जन मतलब लोग, जन मतलब लोग, जो भगवान विष्णु के लोग हैं उसे कहते हैं हरिजन। तो इसे आज से तुम लोग हीन दृष्टि से नहीं देखोगे, समझे, मतलब नहीं देखना है, ये भी हमारे समाज के लोग हैं, इनको भी जीने का अधिकार है। तो हरिजन शब्द का क्वाइंड जो किया था, हरिजन शब्द का पहला बार यूज जो किया था हमारे महात्मा गांधी ने किया था, समझे बच्चों, महात्मा गांधी ने किया था। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी, इसके पीछे कहानी थी। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी महात्मा गांधी ने लिखा बच्चों, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा बोलो ना, महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका किसने लिखा, महात्मा गांधी। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। यंग इंडिया ही पुस्तक बच्चों, यंग इंडिया, यंग इंडिया बोलो, यंग इंडिया। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी। सत्य के साथ प्रयोग, महात्मा गांधी, ठीक है बच्चों। तो बोलो बोलो, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यंग इंडिया, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका, चार बुक, चार बोलो, मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका, यंग इंडिया, यंग इंडिया। चारों बुक के बच्चों ऑथर जो है हमारे बापू, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, और 2 अक्टूबर को बच्चों का जन्म हुआ था, इसीलिए हम लोग 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस क्या मनाते हैं, अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस डे, क्योंकि ये अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए, मर्जी आपकी, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रश्न को लेकर आते हैं, ठीक है बच्चों। इसको तब तक आप लोग देखकर ओके कर लीजिए, कॉपी में नोट बना लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे भी हम लोग इसी तरह आगे लेकर वीडियो उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।